बात की जाए आम नागरिकों का, तो सरकारी अस्पताल का रुख इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दवाइयाँ और इलाज जो है वो अच्छे तरीके से मिल पाता है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल पाती हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो जैसे CBC हो गए और बाकी अन्य जो टेस्ट हो गए, वो किस तरह के जो टैरिफ होते हैं वो अगर आप थोड़ा सा बता पाएं। ये जो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन रहता है उसमें ये रेट फिक्स होते हैं। जैसे सबसे बेसिक टेस्ट रहती है CBC, जो 80% पेशेंट्स को बताई जाती है जो एडमिट होते हैं, तो उसकी कॉस्ट सिर्फ 50 रुपये रहती है। वो बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आपने सही कहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में MBBS डॉक्टर्स रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स रहते हैं, सीनियर प्रोफेसर्स रहते हैं, तो क्वालिटी ऑफ केयर हमेशा बेस्ट ही रहती है। और अगर किसी को ये 50 या 100 रुपये भी नहीं जम रहे हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जिनके येलो रेशन कार्ड है उनको पूरी फ्री ट्रीटमेंट है, डिलीवरी पूरी फ्री होती है। और सरकार की, भारत सरकार की और महाराष्ट्र सरकार की बहुत योजनाएँ हैं, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले योजना, उसमें तो अभी पहले ऑरेंज और पीले रेशन कार्ड के पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट मिलती थी, अभी तो वाइट रेशन कार्ड को भी फ्री है, आश्रम स्कूल के बच्चों को फ्री है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ्री है। तो गवर्नमेंट में ये जो रेट्स हैं ये तो एकदम मामूली है, बेड का रेट दिन का 20 रुपये, बट अगर वो भी नहीं भर सकते पेशेंट्स, तो उनके लिए इतनी योजना है, उनका फ्री हो जाता है।